जय हिंद एवरीवन। यह वीडियो बीपीएससी विद्यार्थियों के लिए है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार एक परिचय बुक का पेज नंबर 15 आप सुनने जा रहे हैं। आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। कला के क्षेत्र में इस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बोधगया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार के अवशेष महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसने 405 से 411 ईस्वी के बीच भारत का भ्रमण किया। वह बिहार के क्षेत्र में भी आया और 3 सालों तक पाटलिपुत्र में रहा। इस नगर के गौरव का उसने उल्लेख किया है। इस नगर की भव्य अट्टालिकाओं के संबंध में वह लिखता है कि इनका निर्माण मनुष्यों ने नहीं देवताओं ने किया होगा। मगध के परवर्ती गुप्त शासक 6वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों के शासन की जानकारी कुछ अभिलेखों से मिलती है, जिनकी प्राप्ति गया और शाहबाद जिलों के क्षेत्र में हुई है। इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त था, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि उसका संबंध महान गुप्त शासकों से क्या था। इस वंश के एक शासक कुमारगुप्त तृतीय द्वारा प्रयाग तक सत्ता विस्तार करने और मोखरी शासक को पराजित करने के संबंध में जानकारी मिलती है। उसके उत्तराधिकारी दामोदर गुप्त को मखौरी शासक ने पराजित कर मगध के अधिकांश भाग को हस्तगत कर लिया। इस बीच गौड़ यानी बंगाल के शासक शशांक के अभियान भी इस क्षेत्र में हुए। शशांक एक क्रूर और धर्मार्ध शासक था, जिसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह नष्ट किया और बोध गया में महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई। दामोदर गुप्त के पौत्र देवगुप्त ने शशांक से गठबंधन कर कन्नौज के मोखरी शासक ग्रहवर्मन के विरुद्ध कार्यवाही की। शशांक ने ग्रहवर्मन का वध भी किया। इसके प्रतिशोध में राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन से हर्ष के शासनकाल के पहले तक बिहार का इतिहास नितांत संघर्ष का साक्षी रहा। इसमें मगध के परवर्ती गुप्त शासक, कन्नौज के मोखरी शासक और बंगाल के गौड़ शासक भाग लेते रहे। 7वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में जब हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार किया तो बिहार के कुछ भाग उसके नियंत्रण में आए। उसने परवर्ती गुप्त शासकों में माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया, ताकि शशांक द्वारा किसी आक्रमण कार्रवाई का निदान आसानी से कर सके। हर्ष की मृत्यु उपरांत बिहार में पुनः अराजकता फैल गई। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल के राजाओं ने संयुक्त रूप से बिहार पर आक्रमण कर दिया। संभवतः कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता भी बिहार के कुछ भागों में स्थापित हो गई। इसका अंत माधव गुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने किया। उसने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण की, राजसी उपाधियां धारण की और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसका राज्य मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार यानी मुंगेर तथा भागलपुर के क्षेत्र पर विस्तृत था। संभवतः पूर्वी कन्नौज और बंगाल पर भी उसका नियंत्रण था। दोस्तों, पेज नंबर 15 कंप्लीट हुआ। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।